नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश और वर्तिका किचन में। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चिली चिकन, थोड़ा अपने स्टाइल में। तो चिली चिकन बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, ये ब्रेस्ट पीस है चिकन के या सीने का पीस। साथ ही हमने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के प्याज, हमने इनको इस शेप में काट के रख लिया है। और हमने लिए हैं दो शिमला मिर्च, उनको हमने इस शेप में काट लिया है। और हमने लिए हैं 4 से 5 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 अंडा, थोड़ा सा धनिया और 1-1 इंच के 2 अदरक के टुकड़े हमने चॉप करके रख लिए हैं। साथ ही हमें चाहिए चिली विनेगर, रेड चिली सॉस और डार्क सोया सॉस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा देगी मिर्च, पिंच ऑफ काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हम अभी यूज़ कर रहे हैं और 1 टेबलस्पून बाद में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब हम डालेंगे। 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 अंडा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब चिकन फ्राई कर लेते हैं। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है दोस्तों, अब इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो है। अब दोस्तों हम इतना ही चिकन इसमें ऐड करेंगे फिलहाल, इसे ज़्यादा ओवरक्राउडेड ना करें और तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इसको छेड़े भी नहीं। तो इसे 1 मिनट लो फ्लेम पे पकते हुए हो गया है, अब इसे थोड़ा सा हिलाएंगे हम। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो 1.5 मिनट हो गया है, अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सारा चिकन फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो हमारा सारा चिकन फ्राई हो गया है, तो चलिए अब हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो करीब करीब 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, हल्का सा इसको ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम सबसे पहले लहसुन डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे। चालीस सेकंड हो गए हैं, अब इसमें हम लोग अदरक ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें मिर्च भी ऐड कर देंगे। करीब 4 से 5 सेकंड बाद इसमें हम लोग शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई है और इसे आप चलाते चलाते ही भूनें। अब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए दोस्तों। शिमला मिर्च को भूनते हुए मुझे 30 सेकंड हो गए हैं, अब इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूंगा, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1/2 टेबलस्पून विनेगर और साथ ही 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी ऐड करके हम इसमें मिलाएंगे। एक टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अब अपना चिकन ऐड कर देंगे। मुझे सोया सॉस थोड़ा सा कम लग रहा है दोस्तों, तो मैं 1 टीस्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर दूंगा। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 30 सेकंड तक हम ऐसे ही भूनेंगे। तो बस दोस्तों, हमारा चिली चिकन तैयार है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, तैयार है हमारा चिली चिकन। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे आप बनाइए, खुद खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू दोस्तों, हम ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे।